Nossa, vai tudo bem, gente. Ele vai acabar com a minha. Que louco, né? Tomás, você vai levar o. Abre e volta. Eu fiz o trabalho aqui. Abre e volta. Escreveu o meu nome da minha alma. E a Mar, já tá na pessoa da Dara, você vai ter que fazer a chave de chinela também. Eu disse, se ele passa a cada um, por favor, ele passa a cada um. Você vai falar que é muito melhor para o sítio, se não tem como lá. Olha, é que como lá, é a primeira vez para o outro, é para o outro, é para o outro. Olha, eu sempre recomendo, é para o outro. Gente, eu tinha a Maria, mas não tinha, né? Tinha um botão para as coisas. Tinha um botão, mas eu pegava a mão e eu não pensei que sempre me lembro, mas eu não tinha caralho, não. Eu esqueci um cabelo que estava na frente. Estou bem, estou na frente, mas está dando uma fila de cabelo. Eu já tenho que fazer uma fila de cabelo, mas não está dando uma fila. Olha, o Ramos é um pouco a chegar no caminho que está fora da forma. De fazer o meu medo. Diz uma sensação para o meu medo. Mas, tu me aliás, eu gostei. Melhor dizer, Ramos é um pouco medo de vir. ये बताती है कि इंशाल्लाह आप सब लोग को आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। तो मैं मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आपको जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, आप जाकर केजरीवाल सरकार में क्या काम करें, पार्टी का काम भी करें केजरीवाल सरकार से, क्योंकि वो सरकार काम कर रही है लोगों की खिदमत का, दिल्ली के विकास का। आप लोगों के भविष्य के बिल बहुत बड़े हैं जैसे कभी सोचा था कि पांच साल पहले किसी ने सोचा था कि दिल्ली में जीरो पॉइंट बीस रुपए पचास रुपए सत्तर रुपए सौ रुपए नहीं ना हमेशा यही सोचा हुआ है कि एक हजार आए तो अगली बार उस वक्त रेट बढ़ाने को ग्यारह सौ का होंगे क्योंकि उससे पहले हर पांच साल में दो तीन बार रेट बढ़ते थे कभी पचास पैसे लेकिन अगर पूरी दिल्ली का देखो तो अरबों रुपए होते वही नहीं है अरबों खरबों रुपए केजरीवाल जी ने क्या काम करा उसको पहले क्या होता था लोग बात अब वही करप्शन की बात आ जाती है लेकिन हमें किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है क्योंकि हम किसी पर इल्जाम तराशी भी नहीं करना चाहते हम चाहते हैं आप लोग दिल्ली के विकास पर वोट दीजिए काम पर वोट दीजिए अगर केजरीवाल सरकार से केजरीवाल जी ने काम कराए तो वोट दीजिए अगर नहीं करे तो वोट दीजिए सही बात अगर मैंने भी काम करा तो वो दीजिए नहीं करे तो मत दीजिए कोई मसला नहीं है ये भी ऐसा मसला नहीं है तो आज ये बात बहुत किया है ये काम बहुत किया है ये बात बहुत आपने छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है हमारी सरकार मैं आपसे बोलने से गुजारिश है कि मैं इमरान हुसैन मेरा नाम है आप सब लोग मेरी भर में आपका नाम भी इमरान हुसैन है आप सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी रिश्तेदारी में अपने भले महीने से पांच करोड़ को जाकर आप सब लोग एक ही घर में रहेंगे जैसे चाचा को शिवराज राज में रहते हैं उनके घर में जाना है भाई शिव चांद में रहते हैं आपको उनके घर में जाना है मंत्री साहब आपको भी उनके घर में जाना है तुम्हें गौ खाने में उनके घर में जाना है तुम्हें बारह दिन में जाना है तो सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी से इंशाल्लाह वोट डालना है मैं इलेक्शन में लड़ा आप सब लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर मेरी जरूरत किसी को चौबीस घंटे में कभी भी होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे दिल्ली के लिए काम करेंगे तरक्की के लिए काम करेंगे मैंने लगभग छोटे बड़े मारा मिल गए पहले भी बड़ी मिल जाती थी लगभग हर गली में बोल रहे थे और लगभग 80% सिविल लाइन चेंज हो चुकी है और मेरे घर के घर साल के साथ भी नहीं बदल रही क्योंकि 100% काम कभी नहीं हो सकता तो कुछ कमियां रह गई इंशाल्लाह उन्हें भी पूरी करेंगे और ये जो तारों का झंझाल आप देख रहे हो ये बंदे नाम बंदे दर्शन नाम फ्रांस खाने रोज बुरान अभी इतने हुआ ये मैंने पास करा दिया है ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं मतलब जैसे चांदनी चौक में हुआ ना ऐसे हो सकते हैं इसका एस्टिमेट बन गया सब कुछ हो गया लेकिन इसके बाद इलेक्शन के बाद मशवरा करेंगे इंशाल्लाह कैसे अंडरग्राउंड कराना है क्योंकि फिर खुलेगा जब घूमता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और फिर उसमें लगते महीने अगर कहेंगे तो खुदवा के अंडरग्राउंड करा देंगे वरना ऊपर सेग्रीगेट करके इन्हें उसमें तरतीब में ले आएंगे ताकि ये झंझार जो है खत्म हो जाए और काम बहुत सारे इलाके के अंदर स्कूल चश्मा बेटे के पहले सात कमरे थे आठ कमरे थे अब माशाल्लाह आप घर को जाके 32 कमरों का स्कूल बन रहा है और दो बार दूसरा मंत्री बन गया पहले आप जाके देखते थे नहीं मुझे नया नया काम चल गया
वो नया रेलवे बनेगा लेकिन पंद्रह साल पहले से बना हो लेकिन इसको अगर आप देखो इंशाल्लाह 100 साल तक चलेगा और उसके 35 रेलवे बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि अभी हमारे लड़कियों का स्कूल में एडजस्टमेंट बन गया उसको बाद में क्लास रखे तो 12 कमरे तो क्लास होनी चाहिए और इसके बाद अभी 8 साइड है हमारी कोशिश है इसमें 8 साइड के साथ साथ कॉमर्स और साइंस लेके लैब भी बनवा रहे हैं उसके अंदर ताकि बच्चा पढ़ सके और एक लड़कों के स्कूल में बहुत कम है इलाके के अंदर तो मैं यही चाहता हूँ कि दुबई में सब लोगों से मशवरा करेंगे कि उसमें लड़कों का स्कूल क्योंकि बहुत कमी जगह की बड़ी दिक्कत है और हमारे स्कूल की हमारे पूरी पुरानी दिल्ली की चाहे वो मटिया महल में गली महल में चांदनी चौक पर एक बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर जो पुराने स्कूल हैं चाहे वो मदर इस्लाम हो अभी मदर इस्लाम में 25 लाख रुपए के काम चालू करा दिया है उसमें क्लासेस चल रही हैं सारा काम हो रहा है लेकिन जगह तो तंग है शॉर्ट है अब इसके साथ साथ चाहे इन्वॉल्वमेंट हो या फतेहपुरी हो या शफीक मेमोरियल हो या स्कूल हो ये सारे एडेड स्कूल है ये सरकारी स्कूल नहीं है इसमें सरकार पैसा नहीं लगा सकती इनमें 95% पैसे तनख्वाह को तो देती है सरकार लेकिन इसमें पैसा नहीं लगा सकती इसलिए इनकी हालत जर्जर है तो मेरी गवर्नमेंट से बात हुई सीएम साहब से भी बात हुई अभी पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह मैं खुद उसको ये बात रख रहा हूँ कि सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आए कि उसमें तरीम करे कि इन स्कूलों को या तो गवर्नमेंट क्योंकि मुझे लगता है जितने इन पर लोग बात बैठे हैं जो चेयरमैन वगैरह हैं वो भी सब हमारे हैं तो वो शायद नहीं चाहेंगे कि ये कमेटियाँ खत्म हो ये गवर्नमेंट मैंडेटेड करे अगर नहीं भी हो तो ऐसी पॉलिसी है जिस जो इस पर गवर्नमेंट 100% पैसा लगा सके ताकि इनकी स्कूलों पूरी तरीके से स्कूलों में काम हो आज हम यही बताते हैं जो लोग सवाल कर देते हैं उससे भी कर देते हैं पुरानी दिल्ली में एक तो जगह नहीं है नए स्कूल बनाने के लिए जगह बनाने के लिए और जो पुराने स्कूल है वो क्योंकि एडेड स्कूल है गवर्नमेंट के लिए तो उसे बनाने की कोई पॉलिसी नहीं तो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि इनको भी ये वर्ल्ड क्लास बनाए और अपने बच्चों को आगे तालीम क्योंकि तालीम ऐसी चीज है और कोई अगर पैसा किसी के पास जाता है तो चोरी किसी से छुड़ा नहीं सकता ना डाटा मार सकता और तालीम की बुनियाद पर ये आदमी जो है वो चांद पर पहुंचा है तो उनका जरूरी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ उनको बहुत ही कमी है मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब साथ आए सबको धन्यवाद से शुक्रिया अदा करता हूँ अगली मीटिंग में चलना फराज खान सबको इंशाल्लाह साथ चलेंगे चलेंगे और 8 फरवरी को सब लोग इंशाल्लाह भारत के सामने वाला बेटा फिर तो दबाएंगे सुबह सबसे पहले उठ के लेकिन दूसरों से मिलवाएंगे और इस 15 दिन में आप लोग अपने महीने में अपने दिल्ली में अपने रिश्तेदारों में सबको कहना भी है और केजरीवाल सरकार के काम को बताने शुक्रिया।